नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दामाद करे सो सही और बेटा करे तो गलत। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। भावना और प्रकाश जी की दो बेटियाँ और एक बेटा था। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है, बेटियों का सुखी संसार देख कर माँ खुश होती थी। लेकिन यदि उनका खुद का बेटा अपनी पत्नी को सर आँखों पर रखे तो वही माँ सास बन जाती और उसे पसंद नहीं आता। ताने यही मारे जाते कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया। भावना और प्रकाश जी की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफ़ी दिनों से उन्हें बुला रही थी, लेकिन भावना और प्रकाश जी हमेशा ही टालते रहे। इस बार दामाद जी ने आने जाने की टिकट करवाकर उन्हें भेज दी। इस बात का ढिंढोरा भावना जी ने हर जगह पीटा कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है जो अपने सास ससुर के लिए इतनी महंगी टिकटें भिजवा रहा है और उन्हें वहाँ बुला रहा है। भावना जी ने अपने और अपने पति के जाने की तैयारी अच्छे से की, साथ ही साथ अपनी बहू को हजारों हिदायतें भी दी कि घर खर्च कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बोलना है। भावना और प्रकाश जी करीब करीब 15 दिन वहाँ घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा और बहू अकेले ही थे। भावना जी का बेटा आर्यन बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वो बहुत खुश था। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माता पिता के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दोगुनी हो जाती है। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को भी यहाँ बुलाऊं और उन्हें घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उसने अपने सास ससुर को बुला लिया। अपनी पत्नी के साथ माँ पिता को देखकर उसकी पत्नी चौंक गई। सारी बात पता चलने पर वो बहुत खुश हो गई। आर्यन अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के साथ महाबलेश्वर घूमने गया, जहाँ उन्होंने ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई और बस फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। ये सारी तस्वीरें विदेश में बैठी उसकी माँ बुरी तरह गुस्से में आ गई और उसने तुरंत आर्यन को फ़ोन करके पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तूने बहू को ये इजाज़त कैसे दी कि अपने माता पिता को बुला ले और तू क्यों अपने ससुर के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है? तब आर्यन ने कहा, माँ मुझे लगा दीदी जिया जी ने तुम्हें वहाँ बुलाया, तुम इतनी खुश हो गई तो मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया, उसमें क्या गलत किया? जीजा जी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वैसे मैं भी अपने सास ससुर का ध्यान रखूँ तो उसमें क्या परेशानी है? भावना के पास कोई जवाब नहीं था, बस फोन पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी जमाना बदल गया है, लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप, किसी की बेइज्जत किसी से कम या ज़्यादा नहीं, सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन सकती है तो एक दामाद बेटा नहीं बन सकता? बहू तो दोनों घर के रिश्ते निभाती है, अपने माता पिता का ध्यान भी रखती है और सास ससुर का उससे भी ज़्यादा। आप परेशान ना हो, हम यहाँ इंजॉय करेंगे और उनको वहाँ इंजॉय करने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। दोस्तों मैं जानती हूँ अभी भी लड़की और लड़के की माँ बाप में बहुत फ़र्क किया जाता है, यहाँ तक कि लड़की अपने माँ बाप को कुछ देने के पहले हज़ार बार सोचती है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदलने लगी हैं, अब बदलाव आ रहा है। दोनों परिवारों में सभी मिलजुल कर रहें तो बहुत अच्छा होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।